हाय गाइस, टेकमेट की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 बेस्ट TWS ईयरफोन्स अंडर 1000 रुपीज़ के बारे में। अब यहाँ पर मैं टॉप 5 या फिर टॉप 7 वाली भी वीडियो बना सकता था, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं निकलता, बल्कि कन्फ्यूज़न थोड़ी सी और बढ़ जाती। इसलिए मैंने टॉप 3 बेस्ट TWS ईयरफोन्स की वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सीधा चलते हैं हम नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर मैंने रखा है पीट्रॉन बेस बर्ड्स को। मुझे लगता है सबसे पहले पीट्रॉन ने ही 1000 रुपये में आने वाली TWS ईयरफोन एकदम सही फीचर्स के साथ लॉन्च किए। ये करीबन एक साल पहले या फिर उससे भी पहले लॉन्च हो चुके थे और फॉर द प्राइस काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के हैं। अगर हम सीधा इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दी गई है। बेस भी एकदम थम्पिंग और पंपिंग वाला दिया गया है और डिस्टॉर्शन तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। आप भले एकदम हाई क्वालिटी में आवाज़ इसकी सुने, अगर आपसे थोड़ी सी ट्यूनिंग करते आती है साउंड क्वालिटी की तो आप इसे और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। ओवरऑल बढ़िया है, हाईस सही हैं, मिड्स भी ठीक हैं और लोस थोड़े से बेकार, लेकिन फिर भी ओवरऑल सही है। अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो थोड़े से चीप क्वालिटी के बने हैं, इसलिए बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं लगते, थोड़े से चीप देखने में लगते हैं। सेम ईयरबड्स के साथ भी है, वो भी देखने में उतने ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगते, लेकिन क्वालिटी अच्छी दी गई है। अगर हम इनकी चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग में मैं कहूँगा एवरेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं देते। 16 आवर्स का आपको बैटरी लाइफ इसमें देखने मिल जाता है। आपको अगर लग रहा हो कि ठीक है तो इसके बाद वाली में काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम मैं कहूँगा। अब अगर हम कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट में मैं कहूँगा एवरेज है, ना बहुत ज़्यादा अच्छे ना बहुत ज़्यादा बेकार। अगर मैं आपको इसकी एक ओवरऑल रेटिंग दिखाऊँ तो वो कुछ इस तरीके की होगी। अब अगर हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर मैंने रखी है TrueFit Pro। ये एकदम नई लॉन्च हुई है, फॉर द प्राइस काफ़ी ज़्यादा प्यारी बनाई गई है। अगर मैं इसकी लुक्स और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, ऊपर का जो चार्जिंग केस है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। 1000 रुपये का तो बिल्कुल भी नहीं लगता, आराम से कोई भी अगर देखेगा तो उसको लगेगा 2-3 हज़ार रुपये का तो होगा ही। लेकिन अंदर के जो ईयरबड्स हैं वो उतने ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगते जितना ज़्यादा उसका केस लगता है, लेकिन फॉर द प्राइस बढ़िया दिए गए हैं। अगर हम इनकी ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो ऑडियो क्वालिटी अच्छी दी गई है, हाईस काफ़ी प्यारे हैं, लेकिन फुल वॉल्यूम में थोड़ी सी आवाज़ फटती है। तो आप अगर 80-85% वॉल्यूम पे अगर इन्हें सुनते हैं तो काफ़ी अच्छा ऑडियो आपको देखने मिल जाता है। अगर हम इनकी कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी भी अच्छी दी गई है, पबजी में भी एकदम हल्का सा लैग होता है जिसके आप थोड़ा सा इग्नोर करते हुए पबजी खेल सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वैसे जो मैं तीनों ईयरफोन आपको बता रहा हूँ, तीनों ही ईयरफोन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है पबजी खेलने में, एकदम हल्का सा डिले होता है जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर मैं इनकी बैटरी की बात करूँ तो हाँ, इस ईयरफोन से बेटर बैटरी बैकअप 1000 रुपये में मुझे नहीं लगता कि आपको मिल सकता है। इसमें पूरा 24 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको देखने मिल जाता है, जो कि मेरे टेस्ट पे एकदम सही प्रूव हुआ है। वैसे मैंने इस ईयरफोन की एक और वीडियो बनाई है, अगर आपको वो देखनी है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब अगर मैं इनकी कंफर्ट की बात करूं तो कंफर्ट में थोड़े से बेकार ही मैं कहूंगा। यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इसमें आपको इन ईयर डिज़ाइन नहीं दी गई है, इसमें कैनाल डिज़ाइन दी गई है। इसमें आप सिलिकॉन टिप्स नहीं लगा सकते, तो अगर आपको ये वाली डिज़ाइन सही लगती है तो ही परचेज करिएगा, वरना मत करिएगा। इसकी भी अगर मैं आपको एक ओवरऑल रेटिंग बताऊँ तो वो कुछ इस तरीके की होगी। अब नंबर 1 द बेस्ट इन द लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर मैंने रखे हैं एंड ऑडियो वेव 720। ये थोड़े से पुराने हो गए हैं और पहले 1800 रुपये के आते थे, लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़े से पुराने हो गए हैं, जिस वजह से इनकी प्राइस कंपनी ने थोड़ी सी डाउन कर दी है। अभी आपको 1000 रुपये के आसपास काफ़ी आसानी से देखने मिल जाते हैं और मुझे लगा ये सबसे बेस्ट डील रहेगी आपके लिए। इसकी अगर हम ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बढ़िया ऑडियो क्वालिटी इसमें दी गई है, एकदम बैलेंस्ड, एकदम क्लियर साउंड आपको देखने मिल जाता है। बेस भी अच्छा दिया गया है, लोस भी सही हैं। ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी दी गई है। वैसे तो ये प्लास्टिक के बने हैं और इसमें प्लास्टिक हाई क्वालिटी की यूज़ की गई है, साथ ही साथ ये थोड़े से प्रीमियम भी देखने में लगते हैं। आप बताइए आपको लग रहे हैं या फिर नहीं। इसमें जो लाइट दी गई है वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। अगर हम चार्जिंग की बात करें
हैं तो इसमें आपको 10 आवर्स का चार्जिंग बैकअप देखने मिल जाता है। यही सिर्फ एक चीज़ है जो सबसे कम है इसमें, बाकी हर चीज़ एकदम टॉप नॉच दी गई है। और हाँ, सिर्फ इकलौती यही मैंने ईयरफोन देखी जो कि 1000 रुपये के आसपास अब मिल रही है, और इसमें आपको IPX5 की वाटर रेजिस्टेंस कोटिंग भी देखने मिल जाती है। तो हाँ, स्वाइट प्रूफ भी ये हैं। इसकी भी अगर हम एक ओवरऑल रेटिंग देखें तो कुछ इस तरीके की होगी। अब अगर हम एक ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो अगर आपको एक अच्छी साउंड क्वालिटी वाली ईयरफोन्स चाहिए, आपको लुक्स मैटर नहीं करते और कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो पीट्रॉन बेस बड्स इज़ फॉर यू। और अगर आपको लुक्स मैटर करते हैं, मतलब बाहर से अच्छी दिखती हो, तो आप ट्रूफिट प्रो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ इसमें ध्यान देनी पड़ेगी कि ये इन ईयर डिज़ाइन के साथ नहीं आते हैं, इसमें कैनाल डिज़ाइन दी गई है। और हाँ, इसमें अलग से टिप्स नहीं लगे हैं तो कंफर्ट में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। बाकी मुझे तो सबसे बढ़िया एंट ऑडियो ही लगे, तो अगर आपको 1000 रुपये के आसपास आपको ये एंट ऑडियो वेव 720 मिल जाते हैं तो मैं तो कहूँगा आप यही परचेज कर लीजिए, यही सबसे बेस्ट रहेंगे। अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टेकमेट।